हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपके सामने लाया हूँ 49-23 कैप्टन लीलैंड। इसमें मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या हो रहा था। प्रेशर लीकेज हो रहा था, एक घंटे में गाड़ी प्रेशर बना रही थी और वापस खड़ी खड़ी 5 मिनट में प्रेशर लीकेज हो रहा था, ठीक है। उसकी वजह से और मेन प्रॉब्लम थी, प्रेशर नहीं बना रही थी। तो मैकेनिक ने इसको चेक किया, पूरा चेक करने के बाद लीकेज तो था पर उसको भी सही किया जॉइंट लगा के। और इसमें वो कंप्रेशर का जो हेड होता है वो ख़राब था, वो प्रेशर बना नहीं रही थी। बेस प्रेशर इतना बना रही नहीं रही थी, एक घंटे में प्रेशर बनता था। गाड़ी 2-3 बार ब्रेक लगाते थे उससे वापस प्रेशर चला जाता था। ये आपके सामने देखो कंप्रेशर हेड खुला है, ठीक है, पानी वाला हेड है ये, देख लो। ये इसको हेड को R&R किया, खोला इसको तो हेड ख़राब था। इसकी रिंग कटी हुई थी, मैकेनिक ने देख लो ये चेक किया, इसके ऊपर जो रिंग होती है वो कटी हुई थी, ठीक है। ये और ये हेड पानी वाला हेड है। फिर इसके लिए नया हेड देख लो, कंप्रेशर का नया हेड डाला, देखना कंप्रेशर का नया हेड डालेंगे, मैं आपके सामने बता रहा हूँ नया है ये, ठीक है। और विप्को कंपनी का है ये, हमने डाला, ठीक है। तो इसके साथ रिंग भी नहीं डाली है, ये देख लो रिंग, ये कंप्रेशर और रिंग सेम है, इसको डाली है। इसको कंप्रेशर का ये हेड डालने के बाद गाड़ी प्रेशर जो एक घंटे में बना रही थी वो 10 से 15 मिनट में बनाने लग गई, और ब्रेक लगाने पर भी नहीं जा रही थी, प्रेशर ख़त्म नहीं हो रहा था। इस कारण मैं आपको बताऊंगा छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। कंप्रेशर सबसे पहले प्रेशर लीकेज हो तो लीकेज को चेक करना चाहिए प्रेशर को, फिर उसके बाद बड़ी खोलनी चाहिए। हमने प्रेशर लीकेज चेक किया था, फिर हम मैकेनिक ने चेक किया तो इसका कंप्रेशर हार्ड वाल्व डैमेज था, तो सही किया। थैंक यू दोस्त, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ऐसे में वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए नए नए।